विघ्नहर्ता गणेश चतुर्थी पर उनके ननिहाल हरिद्वार में धूमधाम से उनकी मूर्ति स्थापित की गई। लोग भगवान गणेश को आज अपने घर में मेहमान बनाकर ले जाएंगे और उनको विराजित कर उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इसी तिथि पर सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा और प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस समय को बेहद शुभ माना जाता है। भगवान गणेश के ननिहाल हरिद्वार में भी गणेश भवन की मूर्ति स्थापना के लिए लोग विघ्नहर्ता को घर ले जा रहे हैं। कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी गजानन की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, जहाँ लोगों ने उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। लाइव उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। तक्षेश्वर मंदिर आए हैं। यहाँ पे भगवान ससुराल है, महाराज महादेव की ससुराल है। यहाँ पे दर्शन करने आए थे इनके, फिर हमने देखा कि यहाँ जो है आज गणेश चतुर्थी भी अच्छा दिन है गणेश जी का, और यहाँ पे जो है ये सब आप देख रहे हैं मूर्ति लगी हुई थी, तो हमने जो है सोचा यहाँ भी दर्शन करते हुए चलें। बड़ा अच्छा लग रहा है, मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ आके। यहाँ पहले भी आते रहते हैं, कई बार आए हैं यहाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। आज गणेश चतुर्थी है, पता था हमें इस बात का पहले, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह का पंडाल लगा हुआ होगा। यहाँ पे आए, देखा हमने पंडाल भी लगा हुआ था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ननिहाल में गणपति जी आए हैं, और ये भगवान ससुराल है भगवान की, महाराज दक्ष थे उनकी पुत्री, और उनके साथ इनका विवाह हुआ था माता सती का, महाराज महादेव के साथ उनकी ससुराल है। आज जो है ननिहाल में गणेश जी भी पधारे हैं, इनके दर्शन हेतु हम लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। लोग यहाँ दक्ष जी के मंदिर आए थे, शंकर जी के जो ससुराल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम लोग को पूरी फैमिली आई हुई है, वो लोग भी पूजा कर रहे हैं अभी यहाँ पे, यहाँ दर्शन के लिए आए। हम लोग को नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, बस शंकर जी के लिए आए थे यहाँ पे, पता चला कि यहाँ भी काफ़ी अच्छा सजा रखा है, सुंदर है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। आज यहाँ पे हम लोग आए हैं तो गणेश जी यहाँ पे, मतलब कि इनका ननिहाल है यहाँ पे आके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज अपने ननिहाल में आए हैं यहाँ पे गणेश जी अपने मम्मी पापा के पास में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इन लोगों को। यहाँ पे हम लोग को पता नहीं था, बस ऐसे ही दर्शन के लिए आए थे शंकर जी का, पता चला। भगवान दक्षेश्वर महादेव का पवित्र प्रांगण, क्योंकि भगवान शिव की ससुराल है कनखल, और गणेश जी की जो स्थापना है उनके ननिहाल में हुई है। किसी भी बालक के लिए अपने ननिहाल में एक विशेष आकर्षण और हर्ष का विषय रहता है। भगवान गणेश जी का ये ननिहाल है कनखल, और आज इस दक्षेश्वर गणेश सेवा मंडल के सभी सदस्य और भगवान शिव की कृपा से भगवान गणेश की जो विग्रह है उसकी स्थापना हुई है। आने वाले 10-11 दिन तक निरंतर पूजा पाठ चलता रहेगा, उसके बाद शोभा यात्रा के माध्यम से गणेश जी की, क्योंकि प्रकृति के साथ में ये जुड़ा हुआ है, और आज का जो समय है वो प्रकृति को बचाने का है, इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल प्राकृतिक स्वरूप से ही गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाई है, उसको गंगा में विसर्जित किया जाएगा। गणेश जी की इस जयंती के ऊपर आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त उत्तराखंड और समस्त भारतवासियों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, इति शुभ। बालक को अपने मामा के घर या नाना के घर जाना एक भौतिक जीवन में हम देखते हैं बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय होता है, और क्योंकि भगवान गणेश भगवान शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र हैं और संसार को बुद्धि का प्रदाता हैं वो, इसलिए उनके ननिहाल में उनका एक विशेष आकर्षण रहता है। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।